हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने रीजनिंग की एक नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। इससे पहले हम लोगों ने 5-6 चैप्टर ऑलमोस्ट कर चुके हैं, तो आज का हमारा चैप्टर होगा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। आप सभी ने ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन भी देखे होंगे एग्जाम के अंदर, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है हर एग्जाम के अंदर। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। उससे पहले आपको ब्लड रिलेशन के बारे में छोटी छोटी बातें पता होना जरूरी है, हालांकि आप सभी को ये पता भी है लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले है आपका मदर्स और फादर सन, मदर्स और फादर सन। जो आपके माँ का और जो आपके पिता का बेटा होता है वो क्या कहलाता है, क्या होता है वो? आपका ब्रदर होता है। क्या होता है? ब्रदर होता है। उसके बाद है मदर्स और फादर डॉटर। जो आपके माँ और पिता की जो डॉटर है, जो बेटी है, वो आपकी क्या कहलाती है? सिस्टर कहलाती है। कोई ज्यादा रामायण नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जो ऑलमोस्ट आप जानते हो। मदर्स और फादर का ब्रदर जो आपके माँ का भाई है, जैसे मम्मा है तो वो उसको क्या बोलते हो आप? अंकल बोलते हो। जो आपके पापा का भाई है यानी आपके ताऊ चाचा है, उनको भी क्या बोलते हो? अंकल बोलते हो। ऐसे ही मदर्स और फादर सिस्टर, जो आपकी माँ की सिस्टर है मासी बोलते हो, आंट हो गया। जो आपके पापा की सिस्टर है उसको आप बुआ बोलते हो, वो भी आपका आंट के अंदर आ जाएगा, ये भी आपको पता है। उसके बाद है मदर्स एंड फादर। जो आपके माँ के भी पापा और पापा के भी पापा, वो क्या होते हैं? आपके ग्रैंडफादर। नाना भी इसके अंदर आएंगे और दादा भी इसके अंदर आएंगे, ठीक है? तो ग्रैंडफादर के अंदर आपका क्या आ जाएगा? नाना और दादा दोनों आ जाएंगे, कन्फ्यूज मत होना। उसके बाद है यहाँ पे ना, उससे पहले एक बात देखो आप, जहाँ पे भी आपको मैटरनल वर्ड मिल जाए ना, मैटरनल वो तो होता है आपका माँ से रिलेटेड, ठीक है? मैटरनल अंकल है तो वो माँ का भाई है, पापा का भाई नहीं है। अगर पैटरनल अंकल है, पैटरनल अंकल है तो वो आपके पिता का भाई है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? मैटरनल आंट है तो वो मासी है ना कि बुआ, और अगर पैटर्नल आंट है तो वो बुआ है ना कि मासी। जो मैटर्नल वर्ड है ये आपकी माँ के परिवार को डिनोट करेगा, और जो पैटर्नल है ये आपके पिता के परिवार को डिनोट करेगा, ठीक है? उसके बाद देखो ग्रैंडफादर आ जाएगा, इसके आगे मैं पैटर्नल लगा दूँ तो ये आपके दादा होंगे। अगर मैटर्नल लगा दूँ, मैटर्नल ग्रैंडफादर, तो आपके नाना होंगे। उसके बाद है मदर्स एंड फादर मदर, माँ और पिता की माँ। माँ की माँ कौन होती है? नानी। और पिता की माँ कौन होती है? दादी। तो ग्रैंड मदर आ जाएगा, नानी को भी डिनोट करेगा, दादी को भी डिनोट करेगा। वही है अगर गहराई में जाता है तो यहाँ पे मैटरनल दे देगा तो नानी हो जाएगी, पैटरनल दे देगा तो दादी हो जाएगी। उसके बाद है सन्स वाइफ, आपके बेटे की वाइफ, आपके बेटे की वाइफ यानी पुत्रवधु, पुत्रवधु बोलोगे ना उसको, यानी कि डॉटर इन लॉ। क्या बोलोगे? डॉटर इन लॉ यानी पुत्र वधु, वो होती है आपके बेटे की वाइफ। डॉटर्स हस्बैंड, जो आपकी डॉटर का हस्बैंड होता है उसको क्या बोलोगे आप? सन इन लॉ बोलोगे। क्या बोलोगे? सन इन लॉ दामाद। क्या बोलोगे? सन इन लॉ दामाद। उसके बाद है हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, जो आप हस्बैंड की सिस्टर होती है और जो आपकी वाइफ की सिस्टर होती है वो होती है सिस्टर इन लॉ, ठीक है? हस्बैंड की सिस्टर ननद आ जाएगी इसके अंदर, और वाइफ की सिस्टर, वो दोनों चीजें किसके अंदर आ जाएंगी? सिस्टर इन लॉ के अंदर आ जाएंगी। इन लॉ वर्ड जहां भी आ जाए ना वो आपके ससुराल से रिलेटेड है। अगर आप लड़के हो तो वो लड़की वालों के परिवार से रिलेटेड है इन लॉ, और अगर आप लड़की हो तो वो लड़के वालों के परिवार से। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, जो आपके हस्बैंड का ब्रदर, जैसे देवर जेठ होते हैं उनको भी आप ब्रदर इन लॉ बोलोगे, और जो आपकी वाइफ के ब्रदर होते हैं उनको भी आप ब्रदर इन लॉ बोलोगे, तो ये चीज़ वो हो जाएगी। उसके बाद है ब्रदर्स सिस्टर सन, जो आपके भाई और बहन के बेटा है, जो आपका भाई का बेटा है या जो आपकी बहन का बेटा है उसको आप क्या बोलोगे? नेफ्यू बोलोगे। क्या बोलोगे? नेफ्यू, भतीजा, ठीक है? भाई का बेटा, भतीजा भी इसके अंदर आ जाएगा और भांजा भी इसके अंदर आ जाएगा, दोनों वर्ड आ जाएंगे, कर लेना ये। उसके बाद है ब्रदर सिस्टर डॉटर,
जो आपके भाई की लड़की होती है या आपकी बहन की लड़की होती है उसको क्या बोलोगे? नीस बोलोगे, यानी कि भतीजी और भांजी दोनों इसके अंदर आ जाएगा, भतीजी प्लस भांजी, ये हो जाएगा आपका नीस। उसके बाद है अंकल्स और आंट, सन और डॉटर। जो आपके अंकल होते हैं, मामा, ताऊ, चाचा, ये सारे अंकल के अंदर आएंगे ना। और जो आपकी आंटी होती है, मामी, ताई, चाची, उनके जो बेटा या बेटी होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? कजन कहलाते हैं। ठीक है, कजन के अंदर क्या आ जाएगा? चचेरा भाई बहन या चचेरी, सॉरी ममेरी भाई बहन। ठीक है, चचेरा और ममेरा दोनों, चाचा वाले भी मामा वाले भी, दोनों किसके अंदर शामिल हो जाएंगे? कजन के अंदर। सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलोगे? ब्रदर इन लॉ बोलोगे। सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलोगे? ब्रदर इन लॉ बोलोगे। वाइफ के ब्रदर को क्या बोलोगे? उसको भी ब्रदर इन लॉ बोलोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो था ना आपका हस्बैंड और वाइफ के ब्रदर को क्या था? ब्रदर इन लॉ। और सिस्टर के हस्बैंड को भी क्या बोलोगे? जीजा। ठीक है, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स की वाइफ यानी भाभी, उसको क्या बोलोगे? सिस्टर इन लॉ। क्या बोलोगे? सिस्टर इन लॉ। और इसको भी क्या बोलोगे? सिस्टर इन लॉ। ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, सन्स डॉटर। जो आपके ग्रैंड डॉटर के बच्चे होते हैं या फिर ग्रैंड सन के बच्चे होते हैं, जैसे जो आपके पोता पोती के बच्चे हैं, यानी वो क्या बोलोगे आप उनको? पड़पोता पड़पोती ऐसे बोलोगे ना, तो उनको क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंड सन और डॉटर। बेटा है तो ग्रैंड ग्रैंड डॉटर, ये आपका पड़पोता आ जाएगा। ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ये आपकी पड़पोती आ जाएगी। ठीक है, ये तो थे आपके रिलेशन जो आपको पता भी थे, लेकिन एग्जामिनर सीधा तो ये नहीं बोलेगा कि आप अपनी भाभी के भाई को क्या बोलोगे या आप अपने पापा की बेटी को क्या बोलोगे, ये तो नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो देखिए आप। सबसे पहले क्वेश्चन है, जैसे सिंपल सा उठा के चलते हैं, मैंने आपको बोल दिया कि इससे पहले आप एक चीज और देखो, कुछ साइन होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, वो साइन क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप खुद को नहीं रखोगे उस जगह पे, ये तो वहां पे करने नहीं लग जाओगे। क्वेश्चन आ गया पेपर में कि राम का भाई श्याम है, श्याम की भाभी गीता है, गीता की वो है, ऐसे तो नहीं करोगे ना। ठीक है, कुछ साइन होते हैं, आप हमेशा जहां पे बॉय का वर्ड आ जाएगा ना, कि लड़के की बात हो रही है, राम नाम से तो पहचान लोगे आप, लेकिन अगर आपको ए दे दिया ए, तो क्या पहचान जाओगे ये लड़का है या लड़की है? नहीं पहचान पाओगे ना। तो इसके आगे एक साइन लगा देना प्लस, इसका मतलब क्या है? ये लड़का है। इसका मतलब क्या है? ये लड़का है। ए के आगे माइनस का साइन लगा दिया, इसका मतलब क्या है? ये लड़की है। ठीक है, तो इस टाइप से देखो, बॉय के आगे प्लस का साइन लगा देना, जैसे कि ए प्लस, और गर्ल्स के आगे माइनस का साइन लगा देना, जैसे ए माइनस। इतना हो जाएगा। उसके बाद देखो, जो आप वाली पीढ़ी होती है, जो मेरे वाली पीढ़ी है या जो आप वाली पीढ़ी है, उसके अंदर कौन कौन आता है? आपके अंदर, आप वाली सेम पीढ़ी में आपका भाई भी आ जाएगा, आपकी बहन भी आ जाएगी, आपके नेफ्यू भी आ जाए, सॉरी आपके कजन भी आ जाएंगे, आपके फ्रेंड्स भी आ जाएंगे। ये सारे किस पीढ़ी में चलेंगे? आई वाली पीढ़ी में चलेंगे। टोटल पांच पीढ़ियां चलती हैं इस, जो आपका ये चैप्टर है इसके अंदर एग्जामिनर पांच पीढ़ियां उठाता है बस। आपके बारे में पूछेगा, आपके पापा के बारे में पूछेगा या दादा के बारे में पूछेगा, या फिर नीचे चले जाओ आपके बच्चों के बारे में पूछेगा, या फिर आपके पोता पोती के बारे में पूछेगा। ये हो आप वाली पीढ़ी। आप वाली पीढ़ी में कौन कौन आएगा ये रख लिया। एक और चीज, जो आपकी वाइफ होती है या जो आपका हस्बैंड होता है वो भी तो आप वाली पीढ़ी में ही है, तो ये सारी चीजें किस पीढ़ी में आएंगी? खुद वाली पीढ़ी में। आपसे नीचे वाली पीढ़ी में, एक नीचे वाली पीढ़ी में कौन आएगा? आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके नेफ्यू, आपकी नीस। ठीक है,
आपसे नीचे वाली पीढ़ी में कौन आएगा, या फिर आपके बेटे की वाइफ, आपकी बेटी का हस्बैंड, जो आपसे एक पीढ़ी नीचे चल रही है ना, वो आएगी आपसे नीचे वाली पीढ़ी में। उसके बाद और नीचे कौन से आएंगे, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, जैसे कि आपका पुत्र। एक वर्ड ध्यान रखना, पुत्र बोले ना पुत्र तो है बेटा, पोत्र बोले तो है पोता, कौन है पोता, और धोत्र तो कौन है आप, ये आपका द्योता। इस वर्ड को ध्यान रखना है, पेपर में कंफ्यूज मत होना। पुत्र वधु बोले, पुत्र वधु तो बेटे की वाइफ, और अगर पोत्र वधु बोले तो पोते की वाइफ, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद देखो, ये तीन पीढ़ी तो आपको समझ में आ गई। अब आपसे एक ऊपर वाली पीढ़ी में कौन आएंगे, आपके फादर, आपकी मदर, आपके अंकल, आंट और अंकल, ये कौन सी वाली पीढ़ी में चले जाएंगे, आपसे एक ऊपर वाली पीढ़ी में चले जाएंगे। माँ, पापा, मामा, मामी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, ये सारे आपसे एक जनरेशन ऊपर होते हैं ना, एक पीढ़ी ऊपर। उसके बाद सबसे ऊपर वाली पीढ़ी में कौन जाएगा, ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर, दादा दादी, नाना नानी, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे आपके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के अंदर, आपसे दो पीढ़ी ऊपर। आपसे ऊपर वाली में तो मम्मी पापा है, उससे ऊपर वाली में दादा दादी हैं, आपसे एक नीचे वाली में बेटा बेटी हैं, और एक नीचे वाली में, दो नीचे वाली में पोता पोती है। ये पांच पीढ़ियां ध्यान रखनी है बस आपको। अगर ये पांच पीढ़ियां ध्यान है तो ब्लड रिलेशन चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि हमने पूरी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना, एक एक करके हम अपने आप डायग्राम बनाते जाएंगे। अपने आप यूं लगा लो, पेपर वाला क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर खुद बता रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वो किसका क्या लगेगा, किसका क्या लगेगा। और देखो अब जैसे एक चीज और, इस वाली के अंदर अगर मैंने भाई बहन को भी उसी पीढ़ी में रख लिया और वाइफ हस्बैंड को भी उसी पीढ़ी में रख लिया, तो फर्क कैसे पता चलेगा, जैसे हम साइनों का यूज करेंगे तो फर्क कैसे पता चलेगा वो देखो। अगर सेम पीढ़ी चल रही है ना, तो इसको ऐसे कर लो, मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, सेम पीढ़ी चल रही है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई बहन होएंगे ना, सेम पीढ़ी में भाई बहन हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, चचेरे भाई बहन हो सकते हैं, ममेरे भाई बहन हो सकते हैं ना, तो वही है। अब पता कैसे चलेगा कि ये भाई बहन है या हस्बैंड वाइफ है, उसके लिए हम साइन चेंज करेंगे। अगर मैंने ऐसे कर दिया और एक मैं ऐसे कर दूं, ऐसे, ये भी तो मैंने इसके साइड में ही लिखा है, ये भी तो सेम पीढ़ी है, बस साइन चेंज किस लिए कर दिया, यहाँ पे तो देखो ए लड़का है, बी लड़की है, दोनों सेम जनरेशन में है, तो दोनों क्या हुए, आपस में भाई बहन हुए। यहाँ पे भी ए लड़का है, बी लड़की है, दोनों सेम जनरेशन में है, लेकिन थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बना दी मैंने, टेढ़ी लाइन बना दी। टेढ़ा रिश्ता किसका होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है ना, टेढ़ी लाइन बना दी, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हुए। इस लाइन को देख के आपको क्या पता चला है कि ए बी का भाई है, या फिर बी ए की बहन है, इस लाइन को देख के आपको ये पता चला है कि ए बी का भाई है और बी ए की बहन है। इस लाइन को देख के क्या पता चला है, ए बी का पति है, ए बी का पति है और बी ए की पत्नी है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सीधा रिश्ता भाई बहन का और टेढ़ा रिश्ता हस्बैंड वाइफ का, ये हम मैंने निशान अलग अलग क्यों बनाए हैं, क्योंकि सेम पीढ़ी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है।
ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन लेके चलूंगी। उसके बाद मैं लास्ट में आपको दो क्वेश्चन देके जाऊंगी जिनके आंसर आप खुद सोल्व करके खुद कमेंट बॉक्स में लिखोगे और लिखने हैं सभी ने। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी डी का भाई है। उसके बाद है, इफ डी इज सिस्टर ऑफ ए, यदि डी ए की बहन है, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आपके सामने। सेम पेपर की स्टेटमेंट है, आंसर ऑप्शन में आपको दे रही हूं, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर, पहला है आपका भाई, दूसरा है आपका बहन, तीसरा है आपका ब्रदर और सिस्टर, और चौथा है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने, भाई बहन, भाई बहन कुछ भी हो सकता है, और नन ऑफ दीज इन में से कोई नहीं। तो सोल्व कैसे करोगे वो देखो, ए बी की बहन है, ए बहन है ना, ए लड़की है, ए हो गया माइनस, और किसकी है, बी की बहन है। फिलहाल मैं बी के आगे कोई साइन नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे को नहीं पता बी इसका भाई है या बी इसकी बहन है, नहीं पता ना। हाँ, ए का पता था कि ए बी की बहन है, तो ए के आगे मैंने माइनस लगा दिया। सी डी का भाई है, सी और डी इनमें से कोई है, नहीं है ना, अलग रख लो इसको। सी डी का भाई है, सी भाई है, तो प्लस किसका है, डी का। अब डी का भी नहीं पता है लड़का है लड़की है। आगे चलो, यदि डी ए की बहन है, ए यहाँ पे था, डी क्या है इसकी बहन, माइनस लग गया, डी ए की बहन है। मैं ये साफ कर देती हूँ ऑप्शन। यहाँ पे हमें रिलेशन का पता है डी के साथ कि जो सी है ना वो डी का भाई है, तो सी क्या है, डी का भाई है, प्लस लग गया। हमारे जो ये वाली स्टेटमेंट थी ये इसके साथ करगी ना मैच, करगी। उसके बाद पूछा है तो बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है। पहली बात तो सीधी लाइन चल रही है, कहीं पे भी टेढ़ी नहीं हुई, मतलब ये सारे आपस में क्या हैं, भाई बहन हैं। क्या हैं सारे आपस में, भाई बहन हैं। बी का डी से पूछा है, बी का तो हमें पता ही नहीं कि वो लड़का है या लड़की है, नहीं पता ना, ये इसकी बहन भी हो सकती है और इसका भाई भी हो सकता है, तो शी ऑप्शन अपना राइट आ जाएगा, ब्रदर या फिर सिस्टर। अगर पूछ लेता डी का बी से क्या रिलेशन है, डी का बी से क्या रिलेशन है, तो डी का तो हमें पता है ना लड़की है, तो क्या है, बहन है, तो सिस्टर आंसर आ जाता। तो इस बात को ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। डी का बी से पूछा है शुरू में, बी का डी से पूछा था, तो बी का डी से बताना है, यानी बी क्या लगता है वो बताना है, तो बी का तो पता ही नहीं ना लड़का है लड़की है। इतनी बात समझ में आ रही है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। एम इज सिस्टर ऑफ डी, एम डी की बहन है, एम डी की बहन है, डी इज ब्रदर ऑफ के, डी के का भाई है, डी के का भाई है। उसके बाद है एफ इज मदर ऑफ एम, एफ एम की माँ है, एफ एम की माँ है, हाउ इज के रिलेटेड टू एफ, के का एफ से
क्या संबंध है? के का एफ से क्या संबंध है? एम डी की बहन है, डी के का भाई है, एफ एम की माँ है, तो के का एफ से क्या संबंध है? यहाँ पे एक और पीढ़ी शामिल होगी भाई, माँ पापा वाली, एक ऊपर वाली, तो मैं ये समझा देती हूँ आपको। ऑप्शन है सन डॉटर, सन और डॉटर, सन डॉटर, थर्ड ऑप्शन है सन या फिर डॉटर, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने। तो देखो भाई, एम डी की बहन है, सेम पीढ़ी चल रही है, और एम बहन है तो एम माइनस लग गया, डी की है, डी का हमें पता नहीं है लड़का है लड़की है, डी के का भाई है, अब पता लग गया डी भाई है, भाई मतलब लड़का है, किसका भाई है? के का भाई है, तो के को भी यहां रख लो। अब के का नहीं पता है लड़का है लड़की, आगे देखो, एफ एम की माँ है, एफ माँ है ना, एक पीढ़ी ऊपर जाएगी ना, किसकी माँ है? एम की, एम की माँ है एफ। अब एक बात बताओ, माँ है तो लड़की हुई ना, लड़की के लिए क्या साइन? माइनस था। के का एफ से क्या संबंध है? ये तीनों आपस में क्या है? भाई बहन है, ये इसकी माँ है तो ये इनकी भी माँ है ना, इतनी बात समझ में आ रही है? ये तीनों भाई बहन है, एफ इसकी माँ है तो एफ डी की भी माँ है, के की भी माँ है, लेकिन पूछा क्या है? के का एफ से संबंध, के क्या लगता है एफ का? के आगे कोई साइन है प्लस माइनस का? नहीं है ना, तो या तो ये बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, या तो सन है या फिर डॉटर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप खुद करोगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करोगे। बी इज ब्रदर ऑफ डी, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, डी इज सिस्टर ऑफ ई, डी ई की बहन है, डी ई की बहन है, ई इज ब्रदर ऑफ एफ, ई एफ का भाई है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी? एफ का बी से संबंध बताएं, एफ का बी से संबंध बताएं। ऑप्शन आपके सामने, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर और, या तो ब्रदर या सिस्टर या फिर सन, ये चार ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद दोगे, देख लिया सभी ने? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये तो थे सिंपल वाले भी, कि भी अगर बी सी, एक एक दो क्वेश्चन और कर लो इस टाइप के। बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ सी पैटर्नल ग्रैंडफादर। ये देखो भाई, लिख देती हूं मैं, बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ सी पैटर्नल ग्रैंडफादर, सी की पैटर्नल ग्रैंडफादर, मैंने आपको पहले ही बताई थी, मैटरनल आ जाए तो माँ वाला रिश्ता है, पैटर्नल आ जाए तो पिता वाला रिश्ता है, तो इसने बोला है सी की पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी सी का कौन है? ये दादा है, सी का कौन है? ये दादा है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, सी का कौन है? ये दादा है। तो दोबारा से पढ़ो अब, बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ सी इज पैटर्नल ग्रैंडफादर, सी का पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी दादा, दादा कैसे बनेगा भाई? शुरू में कोई पापा लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना, मतलब प्लस लेना पड़ेगा, दादा एकदम से तो नहीं आएगा, पापा से होके जाएगा, शुरू में इसके पिता हो गए ये, उसके बाद यहाँ पे दादा हो जाएगा, कौन हो जाएगा? दादा हो जाएगा, प्लस लगा दिया। दोबारा पढ़ो, बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ सी इज पैटर्नल ग्रैंडफादर, सी के दादा की बेटी का बेटा, बच्चा, सी के दादा की बेटी का बच्चा,
सी का दादा ये हो गया इसकी बेटी, ये तो बेटा है मतलब इसकी बहन है कोई, इसकी बहन है कोई, इतनी बात समझ में आ रही है। उसका बच्चा, इसका बच्चा, बच्चा बोला है, चाइल्ड बोला है, लड़का लड़की नहीं बोला, बच्चा बोला है। और वो कौन है, वो बी है, कौन है बी है, कौन है बी है। हाउ इज सी फादर रिलेटेड टू बी, जो सी का पिता है वो बी से कैसे रिलेट करता है, सी का जो पिता है वो बी से कैसे रिलेट करता है। दोबारा क्वेश्चन को देखो, डायग्राम आपके सामने बन चुका है इन दोनों का आपस में, सी का पिता ये है ना, ये बी का क्या लगता है, इन दोनों का रिलेशन पूछा है आपस में। दोबारा पढ़ो, इसने बोला था जो बी है वो सी के दादा के बेटे, सी के दादा की बेटी का बच्चा है, कौन बी, सी के दादा, दो स्टेप ऊपर चले गए, दादा की बेटी यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि ये तो बेटा है ना, और बेटे की बहन होएगी ना, बेटे की बहन, तो दादा की बेटी का बच्चा कौन है बी। फिर पूछा है जो सी का पिता है ना उसका बी से क्या रिलेशन है, तो एक बात बताओ ये बी की कौन है, माँ है, और ये कौन है इसकी माँ का भाई है, तो माँ का भाई कौन होता है, मामा होता है, मामा को क्या बोलोगे आप, मैटरनल अंकल बोलोगे या फिर पैटरनल अंकल बोलोगे, मामा को क्या बोलोगे, मैटरनल अंकल या पैटरनल अंकल, मामा कौन से वाले रिलेशन में आता है, माँ वाले रिलेशन में आता है, तो माँ वाला कौन सा होता है, मैटरनल अंकल आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया सभी को, एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन में बोला था जो बी है वो सी के दादा के बेटी का बच्चा है, सी के दादा के बेटी का बच्चा है, दादा की बेटी ये होगी, इसका बच्चा बी हो गया, तो क्या आ जाएगा, मैटरनल अंकल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप क्या आएगी हमारी, उसके अंदर वो पॉइंट करके पूछेगा, किसी भी मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया कि वो मूर्ति है ना, उसमें जो लेडी है वो मेरे पापा की माँ की बहन की बच्ची है, ठीक है, ऐसे बोल देगा, कुछ भी बोल देगा कि जो वो औरत, जो वो आदमी दिखाई दे रहा है वो मेरी बेटी के पति के हस्बैंड, मेरी बेटी के पति के बेटे का पिता है, कुछ भी बोल देगा इस टाइप के क्वेश्चन। बस एक तो ये टाइप आती है, ए बी का क्या है, राम सीता का क्या है, ये है, इस टाइप से पूछेगा, या फिर पॉइंट वाले पूछेगा, किसी तस्वीर में देखते हुए ये बोलता है, दो ही टाइप होती हैं। आज हम ये कर रहे हैं, कल हम तस्वीर वाली टाइप करेंगे, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, एम इज सिस्टर ऑफ डी, एम इज सिस्टर ऑफ डी, एम डी की बहन है, एम डी की बहन है। उसके बाद है आर इज ब्रदर ऑफ डी, आर डी का भाई है, आर डी का भाई है। उसके बाद है एफ इज फादर ऑफ एम, एफ इज फादर ऑफ एम, एफ एम का पिता है, एफ एम का पिता है। उसके बाद है टी इज मदर ऑफ आर, टी आर की माँ है, टी आर की माँ है। हाउ इज डी रिलेटेड टू टी, डी का टी से संबंध बताएं, डी का टी से संबंध बताएं। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है भी आपके सामने, ब्रदर सन डॉटर, ब्रदर सन डॉटर, या फिर डाटा इन एडवोकेट, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने। तो क्वेश्चन देखो, एम डी की बहन है, एम बहन है भाई, मतलब माइनस किसकी है, डी की, डी हमें पता नहीं लड़का है या लड़की है। आर डी का भाई है, आर भाई है भाई डी का, तो इसी वाली पीढ़ी में चलेगा ना,
भाई है, मतलब प्लस लग गया, आर डी का भाई है, एफ एम का पिता है, एम का पिता भाई एक ऊपर हो जाएगा, कौन है, एफ है, पिता है, तो मतलब प्लस का निशान हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। टी आर की माँ है, आर की माँ एक पीढ़ी ऊपर कौन है, टी माँ है, माइनस हो जाएगी। डी का टी से संबंध बताएं, डी का टी से संबंध बताएं। एक बात बताओ, जो डी और आर हैं वो आपस में क्या है, या तो भाई भाई हो सकते हैं क्योंकि हमें डी का पता नहीं है ना, ये प्लस है या माइनस है, या तो ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं या फिर ये इसकी बहन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों आपस में भाई बहन है भाई, या तो भाई बहन है या भाई भाई है। ये इसकी माँ है तो ये इसकी भी क्या लगी, माँ लगी। अगर ये पूछता टी का डी से संबंध बताएं, टी का डी से संबंध, तो ये इसकी माँ हो जाती। लेकिन पूछा क्या है, डी का टी से संबंध बताएं, डी टी का क्या लगता है, तो बेटा भी लग सकता है, बेटी भी लग सकती है। ऑप्शन है भाई, भाई है, बेटा है, बेटी है, या आंकड़े अपर्याप्त है, तो आंकड़े अपर्याप्त है क्योंकि हमें नहीं पता ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता एफ का टी से संबंध बताएं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रही हूँ भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है इसी डायग्राम को देखते हुए, एफ का टी से संबंध बताएं। सेकंड क्वेश्चन है एम का टी से संबंध, एम का टी से संबंध। एक क्वेश्चन मैं आपको पहले दे चुकी, दो क्वेश्चन आपके सामने ये हैं, इनको सॉल्व करके आंसर बता देना, और समझ में आई हो क्लास तो इसको लाइक शेयर भी कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस।